आगामी ईद की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुरादाबाद की ईदगाह में एसीएम मणि अरोड़ा और सीओ कटघर शैलजा मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कराई गई। बैठक में स्थानीय नागरिक भारी संख्या में मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि आगामी दिनों में ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जाएगा, जिसको लेकर ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज भी अदा की जाएगी। नमाज के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं और स्थानीय नागरिकों के साथ बैठक भी की जा रही है। इसी संबंध में ईदगाह के मैदान में सीओ कटघर शैलजा मिश्रा और एसीएम मणि अरोड़ा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कराई गई, जहां स्थानीय नागरिकों से समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। बिजली, पानी, साफ सफाई के साथ अनेक मुद्दों पर भी सभी ने अपनी राय रखी, जहां मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों का ये कहना था कि जो व्यवस्थाएं पिछले वर्षों से चली आ रही हैं, वे आगे भी और बेहतर की जाएंगी। सभी लोग अपना सहयोग प्रदान करें। बैठक में बोलते हुए स्थानीय नागरिकों ने कहा कि मुरादाबाद शहर में सभी लोग एक दूसरे का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और पुलिस प्रशासन का भी भरपूर सहयोग रहता है। जैसे तो साहब, यहाँ पर हर साल की तरह ईद का त्यौहार होता चला आया, जो तैयारियाँ होती चली आई हैं उसके अंदर ये सारे के सारे लोग पूरी तरीके से अपने सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं और पूरा सहयोग प्रशासन को देते चले आए हैं। किसी तरह का कहीं पर भी कोई भी कमी अगर सामने आई है तो उसको प्रशासन के सामने रख के उसको पूरा कराने का काम किया है और यही आश्वासन। ये इत्तेफाक है कि आज जो मंच पर हमारे तीनों अधिकारी मौजूद हैं, वो तीनों ही नए हैं। नए इस रूप में है कि ईदगाह कार्रवाई होगी, लेकिन ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद की जो ईदगाह नमाज अदा होती है वो प्रदेश शासन के लिए एक चैलेंज होता है, क्योंकि 1980 में एक पद्मनुमा दाग मुरादाबाद के ईदगाह में साफ सफाई के इंतजाम को लेकर नगर निगम काम करता है, जिसमें और बेहतर काम करने के लिए सभी ने अपनी बात रखी। प्रशासनिक अधिकारियों ने इन सारी बातों को लेकर कहा कि जो समस्याएं हैं इस बैठक में बताई गई हैं, उन समस्याओं को उच्च अधिकारियों के संज्ञान मिलाकर समाधान करने के लिए कार्य किया जाएगा। ये आपसे हम सहयोग की उम्मीद करते हैं।